हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड इवनिंग। फटाफट के अंदाज में जुड़ जाइए। मैं अभिनव मोटर ड्राइविंग स्कूल से अनिल कुमार, आप सभी जो अभ्यर्थी हैं उनका हार्दिक अभिनंदन व स्वागत करता हूं। दोस्तों, फटाफट के अंदाज में जुड़ जाइए। बहुत ही शानदार क्वेश्चन लेके आया हूं आपके लिए, जो कि पहले जो भी टेक्निकल एग्जाम हैं अक्सर इन क्वेश्चनों को बार बार से दोहराया गया है। तो देखिए दोस्तों, अपनी स्क्रीन के ऊपर बहुत ही शानदार क्वेश्चन आया है। क्वेश्चन ये है कि डीजल इंजन में ईंधन भरण पंप लगा होता है, ठीक है। थोड़ा सा जो क्वेश्चन आएगा वो निम्नी पैटर्न में आएगा, तो आपको जानना है कि ईंधन भरण पंप क्या है। तो ईंधन भरण पंप जो है फ्यूल फीड पंप के बारे में पूछा गया है, फ्यूल फीड पंप, ठीक है। तो यहां ऐसे नाम देख के घबराना नहीं है, जो ठीक है, संभरण पंप। यानी कि दोस्तों इसमें यह पूछा गया है कि डीजल इंजन में ईंधन संभरण पंप लगा होता है। तो आपको मैं बता दूं, सबसे पहले जो फ्यूल की जो सप्लाई होती है टैंक होता है, टैंक के बाद में ये जो सप्लाई होती है कहां जाती है, फ्यूल फीड पंप पे जाती है, और फ्यूल फीड पंप से ये सप्लाई जाती है फिल्टर्स को। कहां जाती है, फिल्टर्स को, और फिल्टर के बाद में जाती है एफआईपी पंप को, और एफआईपी पंप से जो हाई प्रेशर पाइप होती है उनको इंजेक्टर के माध्यम से ये फ्यूल की सप्लाई होती है। ये देखिए फ्यूल टैंक, फ्यूल टैंक है, ठीक है। यहां से जो पाइप आ रही है वो लो प्रेशर पाइप है, और लो प्रेशर पाइप से ये सप्लाई जो हो रही है फ्यूल फीड पंप। और फ्यूल फीड पंप से ये देखिए, मैंने पीएस लिखा है प्राइमरी और सेकेंडरी, ये है फ्यूल फिल्टर, और फ्यूल फिल्टर के बाद में ये देखिए कहां जा रही है, मुख्य जो पंप है एफआईपी पंप है उसको ये सप्लाई हो रही है, एफआईपी यानी कि फ्यूल इंजेक्शन पंप। और फ्यूल इंजेक्शन पंप से देखो दोस्तों ये सप्लाई कहां हो रही है, यहां से हाई प्रेशर पाइप जो होती हैं, हाई प्रेशर पाइप, ये किनको सप्लाई कर रही है, ये देखिए इंजेक्टर को। तो ये पूरा मैंने डायग्राम बना दिया है यहां पे, जो डीजल इंजन के अंदर जो फ्यूल सप्लाई जो सिस्टम होता है उसका पूरा डायग्राम है। तो क्वेश्चन में ये था कि डीजल इंजन में ईंधन संभरण पंप लगा होता है। तो दोस्तों फ्यूल टैंक से सबसे पहले जो फ्यूल की फीडिंग करता है वो मैं बाद में बताऊंगा, पहले आपको मैं ऑप्शन बता देता हूं। देखिए ए ऑप्शन है ईंधन टंकी पर, बी ऑप्शन है इंजेक्शन पंप पर, सी ऑप्शन है इंजेक्टर पर, और डी ऑप्शन है टंकी के भीतर। अब अपने आप जो क्वेश्चन है उसका आंसर आप समझ जाएंगे इस डायग्राम के माध्यम से। देखिए ये फ्यूल टैंक है, सबसे पहले जो फ्यूल को खेच रहा है, फीडिंग जो कर रहा है वो कौन कर रहा है, फ्यूल फीड पंप। यानी कि जो आंसर है ये कहां लगा हुआ है, मैंने देखो जो डायग्राम है फ्यूल इंजेक्शन जो पंप है उसके ऊपर मैंने ये फ्यूल फीड पंप है वो लगाया है। मैंने क्या लगाया है, इंजन निर्माता ने ही उसके ऊपर व्यवस्थित किया है। तो जो राइट आंसर इसका होगा फ्यूल इंजेक्शन पंप के ऊपर ये जो ईंधन भरण पंप है यानी कि फ्यूल फीड पंप है वो लगा होता है। तो दोस्तों क्वेश्चन कैसा लगा, शानदार क्वेश्चन था। देखिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन भी। हाँ देखिए, दूसरा जो क्वेश्चन है दोस्तों वो ये क्वेश्चन है कि डीजल इंजन के अंदर जो डीजल इंजन है उसके अंदर जो डीजल ईंधन के ईंधन यानी कि फ्यूल सप्लाई सिस्टम के अंतर्गत द्वितीयक फिल्टर होता है, तो ऑप्शन में क्या दिया गया है वो देखिए आप, अनिवार्य, जरूरी,
बी ऑप्शन दिया गया है ईंधन टंकी तथा संभरण पंप के बीच लगा हुआ है, ठीक है। सी ऑप्शन ऐच्छिक है। डी ऑप्शन जो है ईंधन टंकी से पानी निकालने के लिए, ये तो कोई बात नहीं लगी में असमर्थ होना। तो देखिए दोस्तों मैं बताऊं कि जो द्वितीयक फिल्टर है वो अनिवार्य होता है। क्या होता है? अनिवार्य। इससे जो पहले क्वेश्चन था उसमें भी मैंने एक डायग्राम बनाया था, उस डायग्राम में मैंने आपको पूरा फ्यूल सप्लाई सिस्टम था वो दिखा दिया। फ्यूल टैंक से सबसे पहले कहां जाता है? फ्यूल फीड पंप में, और फ्यूल फीड पंप के बाद में वो प्राइमरी फिल्टर में, और प्राइमरी से सेकेंडरी यानी कि द्वितीयक फिल्टर में, ठीक है। और सेकेंडरी फिल्टर के बाद में वो कहां जाता है? एफआईपी पंप यानी कि फ्यूल इंजेक्शन पंप, और फ्यूल इंजेक्शन पंप के बाद में वहां से हाई प्रेशर पाइप के माध्यम से वो कहां सप्लाई होता है? इंजेक्टर्स को। तो यहां जो है वो अनिवार्य है, ठीक है। फटाफट के अंदाज में देखते जाए, सारे शानदार शानदार क्वेश्चन लेके आया हूं जो कि अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिए दोस्तों जो अगला जो क्वेश्चन है, ऑटोमोटिव डीजल इंजन में संपीड़ित अनुपात प्राय होता है। तो यहां संपीड़न अनुपात का मतलब है कंप्रेशन रेशियो। क्या मतलब होता है? कंप्रेशन रेशियो, ठीक है, कंप्रेशन रेशियो। तो दोस्तों इसमें पूछा गया है कि डीजल इंजन का जो कंप्रेशन रेशियो है उसके बारे में, तो मैं बता दूं जो डीजल इंजन का जो कंप्रेशन रेशियो है, उससे पहले मैं ऑप्शन है एक बार आपको ऑप्शन दिखा देता हूं। यहां दे रखा है 7:1, बी ऑप्शन जो है उसमें दे रखा है 10:1, और सी ऑप्शन में 15:1, और डी ऑप्शन है 22:1। तो दोस्तों अंत का जो ऑप्शन है तो मैं पहले बता दूं, जैसे जो अनुपात होता है वो 14:1 से 22:1 होता है, जो सी आर जो रेशियो है कंप्रेशन रेशियो की बात हो रही है डीजल इंजन का। तो यहां जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? डी, ठीक है, डी। यानी कि लाइट मोटर व्हीकल से हैवी कॉमर्शियल व्हीकल तक हम जाते हैं तो वहां जो एयर का और जो फ्यूल का जो मिक्सचर रेशियो बन जाता है वो 22:1 तक बन जाता है। तो राइट जो आंसर है इसमें क्या है? 22:1, ठीक है, समझ में आया होगा। अच्छा क्वेश्चन था, अक्सर ये जो क्वेश्चन है कंप्रेशन रेशियो वाला वो पूछा गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, नंबर 4 जो क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है। ये क्वेश्चन है आईटीबीपी जैसे एग्जाम है और बिहार पुलिस में जो मॉक टेस्ट था उसमें भी अक्सर इसको इन क्वेश्चनों को दोहराया गया है, पूछा गया है। देखिए ग्लो प्लग दूसरा जो इसका नाम होता है, इसे हीटर प्लग के नाम से भी जानते हैं, हीटर प्लग, ठीक है। तो दोस्तों ग्लो प्लग या हीटर प्लग इसका काम क्या होता है पहले वो बता देता हूं। हीटर प्लग एक्चुअल में क्या होता है, कई बार जो इंजन है ठंडे जो चलते हैं उनका जो कंबशन टेम्परेचर है वो नहीं बन पाता है, तो हीटर प्लग जो होते हैं वो क्या करते हैं कि इनको जो कंबशन जो टेम्परेचर है उसका जो तापमान है वो क्या करते हैं? बना देते हैं, ताकि जो दहन प्रक्रिया है वो आसानी से हो सके। तो ऑप्शन में देखिए आप क्या देखा है, हीटर प्लग या ग्लो प्लग लगा होता है। देखिए वी संपीड़न उपकरण है, बी है प्रवेश मैनिफोल्ड पर, प्रवेश मैनिफोल्ड यानी कि इनलेट मैनिफोल्ड, इनलेट मैनिफोल्ड, ठीक है दोस्तों, ऐसे जो नाम है वो आपको मिलेंगे। तो ये जो पैटर्न दिया गया है वो है निमी पैटर्न पे, तो समझना है हमें कि पूछा क्या गया है। दूसरा है दहन कक्ष में यानी कि कंबशन चैम्बर में, कंबशन चैम्बर, दहन कक्ष क्या होता है? कंबशन चैम्बर, जहां दहन की जो क्रिया है वो पूर्ण होती है। अंत का जो ऑप्शन है ईंधन की लीकेज बंद करने के लिए, तो यहां जो सही आंसर होगा वो दोस्तों क्या है? कंबशन चैम्बर यानी कि जो दहन कक्ष, क्योंकि जो तापमान है वो कहां करना है? टेम्परेचर वो दहन कक्ष का करना है, ताकि जो फ्यूल है यानी कि हमारा जो चार्ज है वो आता है उसे आसानी से जलाया जा सके। तो राइट ऑप्शन क्या है इसके अंदर? इसके अंदर सी है, यानी कि दहन कक्ष में कंबशन चैम्बर में ये जो
ग्लो प्लग है, हीटर प्लग है, वो कसा हुआ रहता है या लगा हुआ रहता है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं फटाफट के अंदाज में। सभी क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। यहां देखिए अगला जो क्वेश्चन है कि इंजन के अंदर जो सिलेंडर में संपीड़न के बाद, यानी कि पहला जो स्ट्रोक होता है इंजन के अंदर वो कौन सा होता है? सक्शन स्ट्रोक होता है। ठीक है, डीजल इंजन की बात करें या पेट्रोल इंजन की बात करें तो सुचारू रूप से चलाने के लिए पहला जो स्ट्रोक होता है वो कौन सा होता है? सक्शन स्ट्रोक। ठीक है, जिसे हिंदी में क्या बोलते हैं? चूषण स्ट्रोक, है ना, चूषण स्ट्रोक। दूसरा जो स्ट्रोक होता है इंजन को सुचारू रूप से चलाने के लिए वो कौन सा होता है? कंप्रेशन स्ट्रोक, यानी कि इसे बोलते हैं संपीड़न स्ट्रोक। और जो तीसरा जो स्ट्रोक होता है इंजन का मेन स्ट्रोक होता है वो कौन सा है? पावर स्ट्रोक होता है। कौन सा स्ट्रोक होता है? पावर स्ट्रोक, जिसे शक्तिशाली स्ट्रोक, यानी कि इंजन का जो मेन स्ट्रोक है वर्किंग स्ट्रोक के नाम से जाना जाता है, वर्किंग स्ट्रोक। देखिए दोस्तों, अंतिम जो स्ट्रोक है साइड स्ट्रोक वो होता है एग्जॉस्ट स्ट्रोक। कौन सा? एग्जॉस्ट स्ट्रोक, जिसे रेचन स्ट्रोक, रेचन स्ट्रोक के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों क्वेश्चन क्या था, एक बार क्वेश्चन को दोबारा से पढ़ लेते हैं। डीजल इंजन के सिलेंडरों में संपीड़न के बाद का तापमान होता है, यानी कि पहला जो स्ट्रोक है, तो डीजल इंजन की जब बात हो रही है तो जो केवल शुद्ध हवा है उस वो सिलेंडर के अंदर प्रवेश करती है। कहां से? एयर क्लीनर से। एयर क्लीनर के बाद में इनलेट मैनिफोल्ड, और इनलेट मैनिफोल्ड से इनलेट वाल्व है, और उसके माध्यम से जो पिस्टन है टीडीसी से बीडीसी की ओर चलती है, तो शुद्ध हवा सिलेंडर में भर जाती है। कंप्रेशन स्ट्रोक के दौरान क्या होता है? इनलेट वाल्व बंद हो जाता है, एग्जॉस्ट वाल्व पहले से बंद रहता है, तो आई हुई हवा को क्या किया जाता है? कंप्रेस किया जाता है, दबाया जाता है। तो स्वाभाविक सी बात है कि जब हवा को दबाया जाएगा तो आयतन में कमी होगी और तापमान में वृद्धि होगी। तो इस समय जो तापमान है, ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन ए 300 डिग्री सेंटीग्रेड, बी 450 डिग्री सेंटीग्रेड, सी 600 डिग्री सेंटीग्रेड, डी 1000 डिग्री सेंटीग्रेड। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, कंप्रेशन यानी कि दबाने के बाद में, हवा को कंप्रेस करने के बाद में जो कंप्रेशन टेम्परेचर है वो 500 से 600 डिग्री सेंटीग्रेड के करीबन हो जाता है। तो राइट जो आंसर है वो 600 डिग्री सेंटीग्रेड है। और मैं आपको बता दूं, कंप्रेशन स्ट्रोक के बाद में पावर स्ट्रोक के अंतर्गत जब दहन प्रक्रिया होती है तो वहां जो कंबशन टेम्परेचर होता है, यानी कि दहन कक्ष का जो तापमान होता है वो होता है 1800 डिग्री सेंटीग्रेड से 2500 डिग्री सेंटीग्रेड। तो दो क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए हैं। ये तो जब है हवा को जब दबाया गया है कंप्रेशन स्ट्रोक के दौरान, तो 500 से 600 डिग्री सेंटीग्रेड है वो कंबशन टेम्परेचर होता है, और दहन क्रिया होने के बाद में यानी कि पावर स्ट्रोक के अंतर्गत तो कितना हो जाता है? 1800 डिग्री सेंटीग्रेड से 2500 डिग्री सेंटीग्रेड ये जो तापमान है वो हो जाता है। तो यहां एक क्वेश्चन के साथ में आपको दूसरा क्वेश्चन है वो मिल रहा है। ठीक है, तो दोस्तों समझ में आया होगा, आशा करता हूं क्वेश्चन समझ में आया होगा। और अक्सर ये जो क्वेश्चन है बार बार से दोहराया जाता है, इसका रिपीटेशन होता है, तो अपने दिमाग में इसे क्लिक कर लीजिए, है ना। चलो फटाफट के अंदाज में अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। ये बताया गया है कि जो डीजल इंजन होता है तो ईंधन को जलाने के लिए, यानी कि जो फ्यूल है उसको जलाने के लिए जो टेम्परेचर है वो कितना रखा गया है? तो ऑप्शन में देखिए यहां दिया गया है 300 डिग्री सेंटीग्रेड, बी ऑप्शन जो है उसमें दिया गया है कि 400 डिग्री सेंटीग्रेड, और सी ऑप्शन दिया गया है 600 डिग्री सेंटीग्रेड, और डी ऑप्शन है 800 डिग्री सेंटीग्रेड। तो दोस्तों मैं बता दूं कि मैंने कंप्रेशन टेम्परेचर जो बताया था कंप्रेशन स्ट्रोक के दौरान वो 500 से 600 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, लेकिन जो फ्यूल है यानी कि जो दहन करने के लिए जो टेम्परेचर है वो सफिशियंट है, 400 डिग्री सेंटीग्रेड है, वो टेम्परेचर काफी सफिशियंट है। तो इसमें जो राइट आंसर होगा वो
400 डिग्री सेंटीग्रेड है, वो राइट आंसर इसका होगा। ठीक है, समझ में आया होगा। देखिए दोस्तों, अगला जो क्वेश्चन है वो है डीजल इंजन अनियमित सप्लाई का कारण है, यानी कि जो फ्यूल सप्लाई सिस्टम है उसके अंदर जो फ्यूल की जो सप्लाई है वो सही प्रकार से नहीं हो पा रही है, उसके अंदर कुछ रुकावट है, व्यवधान है, वो आ रहे हैं, तो उनके कारण क्या हैं? तो ऑप्शन देखिए स्क्रीन पे आपके सामने है, एयरलॉक यानी कि हवा आ जाना, एयरलॉक यानी कि जो फ्यूल सप्लाई सिस्टम है उसमें हवा आ जाना, क्या जाना, हवा आ जाना। ठीक है, हवा आ जाना। दूसरा जो ऑप्शन है कि फिल्टर है वो गंदा हो गया है, यानी कि उसके अंदर जो स्लज वगैरह है वो जमा हो गई है। सी ऑप्शन है टेपिट रोलर घिसा हुआ है, ठीक है, टेपिट रोलर बेयरिंग होता है वो घिस जाता है, जो एफआईपी पंप होता है उसके नीचे की ओर होता है, ठीक है, जो प्लंजर को ऊपर दबाता है, अगर टेपी डोलर घिस गया है तो फ्यूल की जो सप्लाई है वो सही प्रकार से नहीं हो पाती है। सी ऑप्शन ये है, और डी है उपयुक्त सभी। तो देखिए दोस्तों, इसका जो सही आंसर होगा डी उपयुक्त सभी, यानी कि हवा आ गई तो फ्यूल जो सप्लाई सिस्टम है वो सुचारू रूप से नहीं हो पाएगा, अगर फिल्टर गंदा है तो वहां जो है वो फ्यूल आगे कैसे बढ़ेगा, एफआईपी पंप की तरफ नहीं बढ़ पाएगा, और टेपिड रोलर घिसा है तो सही प्रकार से उसको प्लंजर वो नहीं दब पाएगा, तो वो फ्यूल कहां सप्लाई होगा। तो उपयुक्त सभी इसका जो राइट आंसर है, उपयुक्त सभी। तो दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर फटाफट के अंदाज में। तो यहां क्वेश्चन में बताया गया है किस प्रकार के कंबस्टन चैम्बर यानी कि दहन कक्ष में कॉनकेव हेड, यानी कि जो पिस्टन की जो संरचना है वो कॉनकेव हेड है, कॉनकेव हेड पिस्टन का प्रयोग होता है। तो ऑप्शन में दिया गया है सॉलिड इंजेक्शन, बी है मैकेनिकल, सी है सिल्वर चैम्बर, सी है सीटेन फिवियर। तो यहां जो राइट आंसर होगा वो होगा सॉलिड इंजेक्शन, राइट आंसर क्या होगा, सॉलिड इंजेक्शन। ठीक है दोस्तों, समझ में आया होगा। बढ़ते हैं फटाफट के अंदाज में अगले क्वेश्चन की ओर। जो नोवा आपका क्वेश्चन है उसमें दिखाया गया है डीजल इंजनों के लिए फ्यूल इंजेक्शन पंप यानी कि अंतःक्षेपक पंप, हिंदी में से बोलते हैं अंतःक्षेपक पंप। तो फ्यूल इंजेक्शन पंप की सेटिंग क्या है, उसकी जो सेटिंग है यानी कि उसमें त्रुटियां आ जाती हैं उसमें भी, तो सेटिंग जो डीजल इंजेक्शन की समान मात्रा के लिए की जाती है क्या कहलाती है। तो दोस्तों इसमें दे रखा है फेजिंग कैलिब्रेशन, ए बी दोनों, और डी है इसके अंदर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसमें क्या दे रखा है, इनमें से कोई नहीं। तो एक मशीन आती है पंप कैलिब्रेशन एंड फेजिंग मशीन, क्या उनसे मशीन आती है, पंप कैलिब्रेशन एंड फेजिंग मशीन। तो उसके द्वारा जो फ्यूल इंजेक्शन पंप है उसकी सेटिंग है डीजल इंजेक्शन की समान मात्रा के लिए की जाती है तो क्या कहलाती है, तो उसे बोला जाता है कैलिब्रेशन। समान मात्रा के लिए जो कहलाती है वो क्या होती है, कैलिब्रेशन। तो यहां जो राइट ऑप्शन है वो है कैलिब्रेशन। ठीक है दोस्तों, फटाफट के अंदाज में अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ज्यादा आपका समय खराब ना करते हुए। तो अगला जो क्वेश्चन है वो देखिए स्क्रीन के ऊपर, उसमें दिया गया है कि इंजेक्टर का कार्य है, इंजेक्टर यानी कि नोजिल, इंजेक्टर यानी कि नोजिल का जो कार्य है वो, तो नोजिल का जो कार्य है ए ऑप्शन में दिया गया है डीजल सप्लाई को रोकना, अरे ऐसा थोड़ी होगा। बी ऑप्शन है डीजल स्प्रे करना, सी ऑप्शन है डिलीवरी वाल्व को खोलना, उप अंत में जो ऑप्शन है कि नन यानी कि इसमें से कोई नहीं। तो देखिए दोस्तों, जो नोजिल होती है वो क्या करती है, डीजल का स्प्रे करती है कंबशन चैम्बर में, यानी कि जो दहन क्रिया है उसको संपन्न करने के लिए जो इसका जो स्प्रे प्रेशर होता है वो 1500 psi से 2500 यानी कि 2500 जो होता है वो इसका स्प्रे प्रेशर होता है। तो जो सही आंसर है वो क्या है, बी यानी कि डीजल का जो स्प्रे है छिड़काव है वो किया जाता है इसके द्वारा।
ठीक है दोस्तों। अगला जो क्वेश्चन है वो देखिए क्या दिया गया है, इंजेक्टर में कौन कौन से टेस्ट किए जाते हैं, इंजेक्टर के लिए कौन कौन से जो टेस्ट है वो किए जाते हैं, क्योंकि इंजेक्टर है उसमें जो प्रेशर है यानी कि जो छिड़काव है वो सही प्रकार से नहीं होता। तो यहां पर इंजेक्टर के ऑप्शन के रूप में दिया गया है इंजेक्टर प्रेशर टेस्ट, बी ऑप्शन है इंजेक्टर स्प्रे टेस्ट, सी है ए तथा बी दोनों, डी है इनमें से कोई नहीं, डी क्या है इनमें से कोई नहीं। तो जो राइट आंसर होगा, देखिए इंजेक्टर का जो प्रेशर है वो भी टेस्ट किया जाता है, इंजेक्टर स्प्रे टेस्ट भी किया जाता है, तो जो सी ऑप्शन है वो क्या है इसका राइट आंसर है। ठीक है, आशा करता हूं दोस्तों आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा और बहुत ही शानदार क्वेश्चन है जो विगत परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न है। बढ़ते हैं फटाफट के अंदाज में अगले क्वेश्चन की ओर दोस्तों। डीजल इंजन में अत्यधिकतम व न्यूनतम चाल नियमित रखने के लिए फ्यूल इंजेक्शन पंप के साथ क्या प्रयोग किया जाता है, तो ऑप्शन भी दिया गया है दोस्तों यहां गवर्नर यानी कि जो इंजन की जो चाल है स्पीड के अनुसार तो उसको नियंत्रित कौन करता है, ऑप्शन है गवर्नर, बी ऑप्शन है नोजल, सी ऑप्शन है प्लंजर और डी ऑप्शन है वाल्व। तो दोस्तों मैं बता दूं इसका जो राइट आंसर है, गवर्नर जो होती है वो इंजन की स्पीड के अनुसार फ्यूल की सप्लाई करती है, तो यहां जो सही ऑप्शन है वो क्या है गवर्नर, क्या है दोस्तों गवर्नर इसका सही ऑप्शन होगा यानी कि ए। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर, यहां पूछा गया है इंजेक्टर द्वारा कितने दाब से डीजल स्प्रे होता है, पिछले क्वेश्चन में जब मैंने आपको बताया था उसमें मैंने इसका आंसर बता भी दिया होगा था तो आपको समझ में भी आ गया होगा, लेकिन फिर भी है जो क्वेश्चन है इसके बारे में मैं आपको बता रहा हूं। तो देखिए यहां जो ऑप्शन में दिया गया है वो क्या क्या दिया गया है, 1500 PSI से 2500 पौंड प्रति वर्ग इंच, ठीक है, बी में है 1000 से 1200 पौंड प्रति वर्ग इंच, और सी में दिया गया है 500 से 1000 पौंड प्रति वर्ग इंच, और डी में है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो पहले भी मैंने इस क्वेश्चन के बारे में आपको पहले ही अवगत करा दिया था, तो राइट आंसर है वो क्या होगा इसका ई, यानी कि 1500 PSI से 2500 जो PSI है वहां इसका जो स्प्रे प्रेशर है वो होता है, कहां इंजेक्टर का यानी कि नोजल का। बढ़ते हैं दोस्तों फटाफट के अंदाज में अगले क्वेश्चन की ओर, अगला जो क्वेश्चन है वो देखिए दोस्तों क्या पूछा गया है, ये पूछा गया है कि डीजल इंजन के शीघ्र जलने का मुख्य आधार होता है, डीजल इंजन के जलने का मुख्य आधार होता है, तो मैं आपको बता देता हूं पेट्रोल इंजन का, पेट्रोल इंजन के लिए होता है ऑक्टेन नंबर, क्या होता है ये होता है पेट्रोल इंजन के लिए, पेट्रोल इंजन में होता है ऑक्टेन नंबर। ऑप्शन में दिया गया है उसकी मात्रा यानी कि शीघ्र जलने के लिए उसकी मात्रा, बी ऑप्शन है ऑक्टेन नंबर, सी ऑप्शन है सीटेन नंबर, तो दोस्तों सी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है, डीजल इंजन में क्या होता है सीटेन नंबर जो होता है वो डीजल के शीघ्र जलने के लिए आवश्यक होता है। ठीक है, तो आशा करता हूं आपको समझ में आया वो क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, बढ़ते हैं फटाफट के अंदाज में, तो देखिए जो 15 जो क्वेश्चन है वो आपकी स्क्रीन पे आ गया है। तो इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि जो फ्यूल टैंक होता है उसमें जो सेडिमेंट चैम्बर बना होता है कहां रहता है, फ्यूल टैंक के साइड में, टैंक के ऊपर, निचले स्तर पर, सी ऑप्शन में, डी इसमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जो राइट आंसर है वो क्या है, निचले स्तर पर जो ये जो चैम्बर है सेडिमेंट है वो बना रहता है, कहां सी ऑप्शन जो है इसका राइट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर फटाफट के अंदाज में। तो अगला जो क्वेश्चन है फ्यूल ट्रांसफर पंप, यानी कि मैंने पहले भी जो क्वेश्चन आया था उसमें मैंने आपको बताया था फ्यूल ट्रांसफर यानी कि उसका स्थानांतरण जो करना है वो किसके द्वारा होता है, तो वो होता है फ्यूल ट्रांसफर पंप यानी कि फ्यूल फीड पंप के माध्यम से। लेकिन क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि जो फ्यूल फीड पंप है या फ्यूल ट्रांसफर पंप है वो किसके माध्यम से चलता है, ऑपरेट होता है, तो दोस्तों यहां जो राइट आंसर है उसमें
ऑप्शन दिए गए हैं इंजन की क्रैंकशाफ्ट से, बी ऑप्शन है इंजन की कैमशाफ्ट से, सी ऑप्शन है हैंडल से, डी है पिस्टन से। तो दोस्तों बता दो, इंजन की क्रैंकशाफ्ट के माध्यम से चलती है कैमशाफ्ट, और ये जो ऑपरेट होता है, चलता है, वो चलता है केम के माध्यम से। किसके? कैमशाफ्ट जो है इसका राइट आंसर है दोस्तों। राइट जो आंसर है वो क्या है? कैमशाफ्ट के माध्यम से जो फ्यूल ट्रांसफर पंप है वो ऑपरेट होता है, चलता है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है वो है हैंड प्राइमिंग पंप का कार्य है, यानी कि फ्यूल फीड पंप के बाद में हैंड प्राइमिंग पंप है जो फिल्टर्स पे लगा रहता है, ठीक है, जो हैंड के द्वारा ऑपरेट होता है, तो इसे हैंड प्राइमिंग पंप भी बोला जाता है। तो देखिए, हवा को ब्लीड करना, ठीक है, एयर लॉक हो जाती है, एयर निकालने की जो प्रक्रिया होती है उसे बोला जाता है एयर ब्लीडिंग। तो ए ऑप्शन दिया गया है हवा को ब्लीड करना, बी ऑप्शन है डीजल सप्लाई को रोकना, सी ऑप्शन है डीजल को जलाना, और डी ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहां जो राइट आंसर है वो हवा को ब्लीड करना, यानी कि एयर लॉक की जो समस्या आ गई है फ्यूल सप्लाई सिस्टम में, तो उसे हवा को जो निकालने की जो प्रक्रिया होती है उसे बोला जाता है एयर ब्लीडिंग। तो फ्यूल ट्रांसफर पंप जो है, यानी कि फ्यूल हैंड प्राइमिंग पंप जो है, वो क्या करता है? इस हवा को ब्लीड करता है, यानी कि हवा निकालने की जो प्रक्रिया है वो इसी के माध्यम से होती है। तो राइट आंसर क्या है? हवा को ब्लीड करना। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। FIP पंप, यानी कि फ्यूल इंजेक्शन पंप का उद्देश्य, यानी कि उसका क्या एम है? तो दोस्तों फ्यूल इंजेक्शन पंप है, आपको मैंने डायग्राम में बताया था पहले ही, मैंने लगभग आपको जो क्वेश्चन है समझ में आ जाए इसलिए मैंने क्या किया था कि एक डायग्राम था वो बना दिया था, जिससे आपको हर क्वेश्चनों का आंसर मिलता रहे। तो फ्यूल सप्लाई सिस्टम का ही ये अच्छा शानदार क्वेश्चन है। तो यहां देखिए, ईंधन की मात्रा निर्धारित करना, बी ऑप्शन है एक विशिष्ट स्थिति पर ईंधन इंजेक्शन का समय। मेरी थ्योरी के अनुसार मैं बोलता हूं FIP पंप का जो कार्य है TMP, यानी कि एक निश्चित टेम्परेचर तापमान के तहत, M फॉर मेजरमेंट, P फॉर प्रेशर के साथ में जो फ्यूल की जो सप्लाई है वो इसके माध्यम से होती है। तो इसमें जो राइट आंसर है वो होगा दोस्तों C, यानी कि ईंधन की मात्रा निर्धारित करना, यह भी काम इसका है, और एक विशिष्ट स्थिति में ईंधन इंजेक्शन का समय, यानी कि इसकी जो टाइमिंग है, टाइमिंग के अनुसार जो फ्यूल की जो सप्लाई है वो करना, वो FIP पंप यानी कि फ्यूल इंजेक्शन पंप का कार्य है। तो राइट आंसर जो होगा वो होगा C, यानी कि AB दोनों। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर फटाफट के अंदाज में। तो यहां पूछा गया है, आजकल जो वर्तमान समय में जो गाड़ियां हैं, तो CRD इंजन आ गए हैं डीजल इंजन के अंदर, कौन से इंजन आ गए हैं? CRDI, यानी कि इसका जो होता है कॉमन रेल डायरेक्ट इंजेक्शन, ये इंजन आ गए हैं। तो यहां पूछा गया है क्वेश्चन में ECU का पूरा नाम क्या है? ऑप्शन ए में दिया गया है इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट, बी में दिया गया है इलेक्ट्रिक कंट्रोल यूनिट, सी ऑप्शन है इमिशन कंट्रोल यूनिट, डी में है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो राइट आंसर है दोस्तों वो क्या है? ए। राइट आंसर क्या है इसमें? ए। तो दोस्तों समझ में आया होगा, क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, जानदार क्वेश्चन है। अक्सर ऐसे क्वेश्चन जो एग्जाम है, टेक्निकल एग्जाम है, उनमें पूछे जाते हैं। तो बढ़ते हैं दोस्तों अंतिम जो हमारा लास्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन 20 की ओर। तो यहां देखिए, डिस्ट्रीब्यूटर यानी के डिस्ट्रीब्यूटर टाइप FIP पंप को कहते हैं। तो ऑप्शन दिया गया है दोस्तों इनलाइन पंप। देखो इनलाइन पंप तो जो होता है दोस्तों वो किस प्रकार का होता है, जिसमें सभी होल्डर्स एक लाइन में बने होते हैं, ठीक है, सभी होल्डर्स एक लाइन में बने होते हैं, और फ्यूल की सप्लाई है वो हाई प्रेशर पाइप के माध्यम से होती है। तो यहां तो एक लाइन में बने हुए हैं, तो ये जो पंप है वो कौन सा होता है? इनलाइन पंप, ठीक है। तो दोस्तों ये कौन सा है? इनलाइन पंप है। तो ये तो ऑप्शन गलत है, नहीं, सही नहीं है। दूसरा है घूर्णन पंप, ठीक है, तीसरा है निम्न दाब पंप, और अंतिम है सर्वो पंप। तो दोस्तों राइट जो आंसर है वो घूर्णन पंप, यानी कि रोटरी पंप, रोटरी
पंप जो है यानी कि घूर्णन पंप है वो राइट आंसर है। तो दोस्तों इसी तरह हमसे जुड़े रहे जो दिल्ली पुलिस करेंगे, ठीक है, क्योंकि आपके साथ में अभिनव पूरा परिवार उसकी टीम है वो जुड़ी हुई है। तो दोस्तों यूट्यूब पे हमारे वीडियोस हैं, उसके डिस्क्रिप्शन में जाएं और वहां से हमारी ऐप का जो लिंक है वो प्राप्त करें और फटाफट के अंदाज में जुड़ जाइए क्योंकि दिल्ली पुलिस की वर्दी जो पहननी है। तो तब तक के लिए दोस्तों गुड बाय, अलविदा, फिर मिलते हैं एक अच्छे क्वेश्चनों के साथ में। जय हिंद।